दफ्तरों का। अंबिकापुर में कलेक्टर ने लिया बोर्ड परीक्षा का जायजा, छात्रों के लिए की गई आवश्यक मूलभूत व्यवस्था। बलरामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा पंचायत संघ, पंचायत संघ पहले भी कर चुका है हड़ताल। जगदलपुर में बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, डेंगू पर नियंत्रण और बचाव के लिए दिए गए निर्देश। जगदलपुर में आय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे रसोईया, प्रशासन नहीं उठा रही कोई भी कदम। जगदलपुर में कमिश्नर ने की योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं का स्थानीय लोगों को दिया जाए लाभ। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में कलेक्टर कुंदन कुमार ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चल रही बोर्ड परीक्षा का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है और विद्यालय में 4 कमरों में छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 187 छात्रों में से 176 छात्र उपस्थित हैं। परीक्षा केंद्र में छात्रों के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 2 दिव्यांग बच्चों के सुविधा अनुसार अलग से व्यवस्था की गई और उड़न दस्ते की टीम भी लगातार निरीक्षण कर रही है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में एक कैदी की मौत हो गई। अचानक तबियत बिगड़ने से कैदी को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट किया गया था, तो वहीं एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी का नाम रामविलास था, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मृतक कैदी का मृत्यु का कारण हार्ट अटैक आने से बताया जा रहा है। अचानक वो बैठे बैठे लुढ़क गया, तो तत्काल उसको हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ पे उसका देहांत हो गया। मृत घोषित जी, देहांत हो गया वहाँ। क्या नाम था उसका? राम विलास आत्मज बेलनाथ, चलगली थाना का था, गोवर्धनपुर का, और धारा 302/34 भारतीय दंड विधान में वो 2009 में जेल में प्रविष्ट किया था। बलरामपुर में पंचायत संघ अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। बता दें कि पंचायत सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। उस समय सरकार के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बजट सत्र के दौरान शासकीयकरण की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना चालू रहेगा। हम लोग का रविंद्र चौबे, हम लोग के जो पंचायत मंत्री हैं, उनसे हमारा प्रांतीय टीम का चर्चा हुआ था। उसमें 6 तारीख के बजट में हम लोग को शासकीयकरण की घोषणा करने की बात हुई थी, और 6 तारीख को शासकीयकरण का घोषणा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग 6 तारीख को ही प्रांतीय मीटिंग किए, और प्रांतीय मीटिंग में फैसला हुआ कि अब 16 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। जगदलपुर में गीदम रोड पर के सामने स्कूल में बच्चों में आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद परिजन आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। तो वहीं पूरे मामले में 3 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
जगदलपुर में कमिश्नर श्याम धावड़े ने कांकेर जिला के अंतिम छोर में संचालित अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में राजस्व प्रकरणों का निराकरण आरबीसी 6-4 के तहत प्रकरणों सहित कार्यालय के अन्य कार्यों का भी निरीक्षण किया। साथ ही कार्यालय में शासकीय कार से पहुंचे ग्रामीणों से राजस्व विभाग की सेवाओं और शासकीय योजनाओं का क्षेत्र में क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। तो वहीं इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम, SDM KS पेकरा, तहसीलदार और आर बांजरे वरिष्ठ निज सहायक भी मौजूद रहे। जगदलपुर में NHIE के घोटलहंगा स्थित टोल प्लाजा में मानकों के विपरीत मरम्मत का कार्य और जरूरी संसाधन नहीं जुटाए जाने को लेकर यूथ कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की थी और केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने टोल प्लाजा को सील कर दिया। तो वहीं अधिकारियों द्वारा समय मांगे जाने और मरम्मत का काम तत्काल पूरा कर मानकों को पूरे किए जाने के बाद टोल प्लाजा को सील मुक्त कर दिया गया। तो वहीं टोल प्लाजा को सील मुक्त किए जाने पर युवा कांग्रेस नेता आशीष मिश्रा और निलय कश्यप ने बयान जारी किया कि मांगे गए समय तक यदि मानक पूरे नहीं किए तो एक बार फिर यूथ कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। हमारे द्वारा जिसमें NHIE के टोल को हम लोगों ने सील करवा दिया था, सील करवाने के लगभग 2 दिन सील रहा, उसके बाद NHAI प्रशासन ने हम लोगों से मोहलत मांगा कि हम लोग को मोहलत दिया जाए। और आप लोगों के द्वारा जो समस्या है, मुख्य रूप से समस्या ये है कि काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना बढ़ चुकी थी NHAI बस्तर में, NH30 में, तो उसके कारण लोग आक्रोशित थे। और युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों और वहाँ के जनपद सदस्य भाई निलय कश्यप, कई बार हम लोगों ने चेताया भी कि आप जल्दी मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण कर ले और जो स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट है उसको जला दे। लेकिन जगदलपुर में कमिश्नर श्याम धावड़े ने नारायणपुर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और कहा कि नारायणपुर जिले में सभी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जाएगा और योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर पर यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को दिया जाए। रायगढ़ में अपनी मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कोटवार संघ ने सभी संभागों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मिनी स्टेडियम से सैकड़ों कोटवार एकजुट होकर वादा निभाओ रैली के जरिए भूपेश सरकार को उनके वादों की याद दिलाते हुए नारेबाजी की और रायगढ़ शक्ति और सारंगढ़ जिले के समस्त कोटवार रैली निकालकर रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और अभी जो हम लोग, हमारा मांग है भूमि स्वामी जो हमारे को दिया गया था पूर्व सरकार ने, उसको निरस्त कर दिया है, तो पुनः उसको वापस दिया जाए और कोटवारों को नियमितीकरण किया जाए। तो अभी मैंने क्या आज धरना प्रदर्शन था, रैली निकाले थे? हाँ, हम लोग पूरा प्रांत में संभाग स्तरीय धरना और रैली कोटवारों का था। छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पूरे प्रदेश स्तर में चल रहा है। मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? हाँ, मांगे पूरी नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे। बलौदा के थाना बलौदा में बड़े वाहनों से डीजल चोरी करने का प्रयास करने वाले फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चोरी करने में प्रयुक्त सामान पाइप जरिकेन को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। जगदलपुर में सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मेडिकल कैंप को आरोग्यम नाम दिया गया है। इस कैंप में जगदलपुर के महेश्वरी भवन में निशुल्क मेडिकल कैंप की सुविधा दी जा रही है। तो वहीं इस मेडिकल कैंप में कैंसर रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग संबंधी न्यूरोसर्जरी और आंखों की जांच समेत कई बीमारियों का चेकअप और इलाज किया जाएगा और अलग अलग जिलों से डॉक्टर भी यहाँ आएंगे। मेन संपर्क महिलाओं से ही रहता है और महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति
बिल्कुल भी, ज़्यादातर महिलाएं, क्योंकि उनकी इग्नोरेंस अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि घर की जिम्मेदारी, और उनको ये लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाएगा। और होता क्या है, कुछ कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये तीनों अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाते हैं तो इनका उपचार बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर ये लेट स्टेज में आते हैं, फिर हिस्टेक्टमी और बाकी सारी प्रॉब्लम जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, इन सबको लेना पड़ता है। उसके बाद भी कोई ये नहीं होता है कि ऐसा अश्योरेंस नहीं होती है कि पेशेंट ठीक ही हो जाएगा। तो मेन है महिलाओं को अपना पर ईयर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अगर हम कैंसर के विषय में देखें तो ये कहावत बहुत ही सटीक है कि यदि स्वस्थ आदमी भी अपना समय समय पर सावधानियां रखे कि उसको कैंसर ना हो, और हमेशा अपनी जांच करवाते रहे समय समय पर, ताकि यदि कैंसर हो भी जाए तो उसको जल्दी पकड़ लिया जाए और उसका उपचार हो सके। ज़्यादातर रोगी हमारे पास आते हैं जिनका कैंसर बढ़ गया रहता है, तब उपचार मुश्किल रहता है। इसलिए हमारा एनजीओ है सुषमा, विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी, लोगों में जागरूकता फैलाना और कैंसर को जल्दी पकड़ना, यानी जिसको अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं जिसमें सभी लोग आके अपनी कैंसर संबंधी जांच करवा सकते हैं, और साथ में इससे जागरूकता भी बढ़ेगी। तो सभी से अनुरोध है कि इस कैंप का प्रचार प्रसार करें। ये निःशुल्क कैंप है, यहाँ आके कोई भी अपनी जांच करवा सकते हैं कि उनको कहीं कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। और कैंसर की तो पकड़ने का सबसे पहला तो स्वयं हम कर सकते हैं। तो ये भी हम जानकारी लोगों को देते हैं कि खुद कभी परीक्षण करते रहें कि कहीं कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। जगदलपुर में बस्तर के तोकापाल के ग्रामीण थाना पहुंचे और गांव में हो रहे लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए ज्ञापन भी दिया। ग्राम के सरपंच ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक में अब सारे ग्रामीणों को ये सूचना दी गई है कि माटी पुजारी के द्वारा दिए गए नियम के विरुद्ध कार्य करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाहरी व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म के प्रचार प्रसार गांव के भीतर करते हैं तो ग्राम सभा उक्त व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई कर उचित दंड देने में ग्राम सभा सक्षम होगी। कानून के अधीन में उसमें हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा किए, जैसे कि हमारे लोग जो धर्मांतरण दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ईसाई धर्म हो चाहे अन्य धर्म में, जो हमारी आदिवासियों की जो संस्कृति कल्चर परंपरा जो कई वर्षों से जो अलग है सभी धर्मों से, तो हमारी जो संस्कृति आदिवासी लोग का कैसे हम लोग संरक्षित रख सके, हमारी जो नेग नीति परंपरा को, उसी विषय पर हम लोग चर्चा किए। और बाहर से जो पादरी पास्टर लोग आते हैं कि ग्राम राम सरगीपाल के कुछ ग्रामीण आज एक ज्ञापन लेके आए थे। विगत 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा रख के एक प्रस्ताव पारित किया है, उसमें लगभग 11 या 12 बिंदु हैं, और उसी ग्राम सभा के प्रस्ताव का ज्ञापन दे रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस आए थे। जगदलपुर में एक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर सड़क पर खूब हंगामा काटा और सड़क पर खड़ी सारी गाड़ियों पर के शीशे फोड़ दिए, तो वही व्यक्ति की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर अपराधी को धर दबोचा। हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद एक पुलिस अधीक्षक है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शराब के नशे में गाड़ियों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। मौके पर थाना कोतवाली अपने स्टाफ के साथ पहुंचे थे। तस्दीक करने पर आरोपी वहां पर उपस्थित मिले, उसे अरेस्ट करके हिरासत में लेकर थाने आए हैं, और वो जो आरोपी है वो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसे वर्तमान में निलंबित किया गया है और उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में 427/294 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही उस पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 151 की धारा के तहत। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।